अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू चिकन का खोरमा। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे, ये है 5 टेबलस्पून फली, 3 टेबलस्पून खसखस। और अगर आप लोग के पास में खसखस नहीं मिल रही या फिर आप लोग खसखस को स्किप करना चाह रहे हैं तो इसके बदले में काजू या बादाम भी ऐड कर ले सकते हैं। और खोपरा ये साइज़ का लेंगे हम, ये पूरी बट्टी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो खोपरे के हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम खोपरे को भून लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम खोपरे के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, तवे को गर्म कर लेंगे और इसके बाद में इसको भून लेंगे हम लो हीट पे। खोपरे का कलर चेंज हो जाना जब तक हम इसको भून लेंगे। अब ये खोपरा अच्छे से भुने गया तो अब हम इसको निकाल लेंगे और अब हम फली को भून लेंगे। फली को भी लो हीट पे भुनेंगे, इस तरह से चम्मच से हिलाते जाएंगे। फली भुने जाने के बाद में अब हम खसखस भून लेंगे। तो खसखस को भी हम लो हीट पे भुनेंगे। इस तरह से चम्मच से फैलाते जाएंगे। खसखस का हल्का सा कलर जैसे ही चेंज होगा हम निकाल लेंगे तवे के ऊपर से खसखस को। तो ये सब मसालों को एक साथ में कर लेंगे इस तरह से। सेम तवे के ऊपर अब हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे, यानी कि 1 टेबलस्पून, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर लेंगे। और प्याज को भी हम हल्का सा भून लेंगे, यानी कि हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको भून लेंगे। प्याज को कच्चा पक्का भून लेना है। अब ये प्याज का कलर चेंज हो गया। ये भुनी हुई प्याज को भी हम फली, खसखस, खोपरे के अंदर ऐड कर लेंगे। इस तरह से ऐड कर लेंगे। अब हम मसालों को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडे हो जाने के बाद में इसको पीस लेंगे। तो मसालों को पीसते वक्त में हम सबसे पहले इसका पाउडर बनाएंगे और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पेस्ट बना लेना है। ये पेस्ट अब बिल्कुल रेडी है। फली, खसखस, खोपरा और प्याज का पीसा हुआ पेस्ट है ये। तो चलिए अब हम खोरमा बनाने के लिए भगोने में कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। अब साबित गरम मसाला लेंगे, दालचीनी, लौंग, इलायची, शाहजीरा। अब हम प्याज को तल लेंगे। तो इसका कलर बादामी होने तक इसको तल लेना है। तो ये देखिए, प्याज का जो कलर है बादामी कलर में आ गया। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून। तो मिर्च नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 2 टीस्पून। कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे हम मसालों को। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फली, खोपरा, खसखस और प्याज का जो पीसा हुआ पेस्ट है, जो हमने पेस्ट बना कर रख लिया था, वो ऐड कर लेना है। और इसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम मसालों के डब्बे में। उसके बाद में मिक्स करेंगे, इस तरह से डाल देंगे। आधी ग्लास पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे और इसको भून लेंगे हम। ऑयल सेपरेट होने तक भून लेना है 20 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। अब ये ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया। 20 मिनट तक इसको हमने पका लिया था। दही ऐड कर लेंगे। 20 मिनट तक पका लेने के बाद में हम दही ऐड करेंगे 400 ग्राम। अच्छे से मिला लेंगे।
कोतमीर पुदीना ऐड कर लेंगे और 4 से 5 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, दही ऐड करने के बाद में 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर लेंगे 300 ग्राम। तो आलूओं को छीलकर हम इस तरह से काट कर इसमें ऐड कर लेंगे। ये है 1.5 किलो चिकन। आलू और चिकन को हम एक साथ में डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अब आलू और चिकन ऐड करने के बाद में अब हम सबसे पहले इसको पकाएंगे 10 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। दस मिनट तक इसको पका लेने के बाद में अब हम ढक्कन से कवर कर देंगे। ढक्कन से कवर कर देने के बाद में इसको पका लेंगे हम 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम हीट पे, और बीच बीच में हम सालन को भूनते भी जाएंगे पकने के दौरान। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट तक इसको हमने पका लिया था। अब ये जो चिकन है अच्छे से गल गया, आलू भी गल गए। अब हम इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे, 2 नींबूओं का निकाला हुआ रस है ये। पानी ऐड कर लेंगे 1 ग्लास, अच्छे से मिला लेंगे। अब हम फिर से ढक्कन से कवर कर देंगे और इसको पका लेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। दस मिनट तक इसको पका लेने के बाद में अब ये कोरमा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब हम फ्लेम ऑफ़ कर लेंगे। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद में हम इसको ढक्कन से कवर करके छोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ऑयल खुद ब खुद सेपरेट हो जाता। तो आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं बघारा खाना और रोटी के साथ में, या फिर प्लेन राइस के साथ में भी इसको सर्व कर सकते। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, चिकन के खोरमे की रेसिपी को। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।